विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से हरिद्वार क्षेत्र में प्रश्न पूछते हैं। महाराज सृष्टि का विस्तार, तो सृष्टि के विषय में बताते हैं। तो महाराज भगवान ब्रह्मा ने अपने बाम अंग से सतरूपा और दक्षिण अंग से मनु महाराज को उत्पन्न किया और इनसे कहा आप सृष्टि का विस्तार करो। तो इन्होंने कहा महाराज पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी तो कोई राक्षस रसातल में ले गया। तो महाराज ये कहते हैं हिरणाक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को रसातल में ले गया। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उनके नासिका छिद्र से वराह भगवान की उत्पत्ति हुई और उन्होंने वराह भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी को स्थापित किया। यहां तक आपने कल सुना था महाराज। अब स्त्री और पुरुष के द्वारा सृष्टि का विस्तार शुरू हुआ। तो मनु महाराज की 5 संतानें हुई। मनोस्तु सतरूपाया त्रिश कन्या सुजंगरे आकोटि देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुतः। 2 बालक प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्री आकुति देवहूति और प्रसूति। 3 पुत्री हुई। तो महाराज पहले इनकी जो मजली जो बीच की जो कन्या है उसके बारे में बताते हैं कि मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के पास में गए। इसलिए विवाह कराने के लिए। और जब वहां जैसे ही राजा कर्दम ऋषि के आश्रम पहुंचे तो ऋषि ने 3 आसन लगाए, एक अपने लिए, एक राजा के लिए मनु महाराज के लिए और एक उनकी पुत्री देवहूति के लिए। 3 आसन लगाए। अब घर से ही पता है पुत्री को कि मेरा विवाह मेरे पिताजी ऋषि के साथ में करवाने ले जा रहे हैं। तो सोच के गई थी कि मेरे जिनसे मिलवाने ले जा रहे हैं वो मेरे पति हैं। अब जब उन्होंने आसन लगाया तो राजा ने आसन स्वीकार किया तो इनकी जो पुत्री है देवहूति उसने क्या किया, उस आसन का भी सम्मान किया लेकिन आसन में बैठी नहीं, उस आसन पर हाथ रखा और बगल में बैठ गई। क्यों? क्योंकि ये मेरे पति का बिछाया हुआ आसन है और मेरे को यहाँ इसमें बैठना उचित नहीं है और उन्होंने मेरा सम्मान करने के लिए आसन भी बिछाया, इसलिए क्या किया, उसका सम्मान भी किया, उसके ऊपर हाथ रखा। महाराज आज का समय उल्टा हो गया है, लेकिन यदि हर धर्म पत्नी का कर्तव्य है कि वो पति की सेवा करे, ये नहीं कि उससे सेवा करवाए, लेकिन आज समय कलयुग के कारण क्या है, उल्टा समय हो गया है। भाई मैं ये काम कर रहा हूं तो आप ये करो। हर चीज यदि शरीर में रोग व्याधि है भाई नहीं कर पा रहे तो पति की भी फर्ज है कि वो सेवा करे, लेकिन सब कुछ इष्टपुरुष शरीर सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी तुम भी काम करो, मैं झाड़ू तो आप पोछा। ये ऐसा समय कलयुग प्रभाव किसका है, कलयुग का। लेकिन माता देवहूति क्या करती, उस आसन पर हाथ रखती और बगल में बैठ जाती है, उसका भी सम्मान करती लेकिन आसन में नहीं बैठी। महाराज मनु महाराज ने आग्रह किया ऋषि से, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाना चाह रहा हूं। बोले महाराज मैं तो शादी, बोले ठीक है मैं विवाह करने को तैयार हूं लेकिन मेरी एक शर्त है कि एक संतान होने, एक पुत्र होने के बाद मैं वन को चला जाऊंगा। महाराज देवहूति ने स्वीकार कर दिया, महाराज मैं तैयार हूं। अब महाराज विवाह हुआ, पिता ने पुत्री का विवाह उनका कन्यादान किया और हाथ दे दिया कर्दम ऋषि के पास। अब महाराज सौंप के आगे उसी दिन कर्दम ऋषि के जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन समाधि लग गए, ध्यान में बैठे और उठे ही नहीं।
एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, कई दिन हो गए, तो जो देवहूति माता है इन्होंने अपने राजसी जो वस्त्र थे वो उतारे और वही ऋषियों का भेष बनाया, कुटिया की साफ सफाई सेवा करने लगी, वही रहने लगी। महाराज पति तो ध्यान में बैठे हैं समाधि में। कहते हैं कई वर्ष हो गए, शरीर जड़ जड़ हो गया, बुढ़ापा शरीर हो गया। एक दिन क्या हुआ, सायकाल के समय देवी ने ज्योत जलाई, ज्योत का नियम था, ज्योत जलाई और ज्योत जलाई, जैसे ज्योत जलाई तो कर्दम ऋषि के नेत्र खुले। देवी आप कौन हैं? याद दिलाए महाराज, मेरे पिता तो आपसे मेरा विवाह करके चले गए थे और जिस दिन मेरा विवाह हुआ उसी दिन आप समाधि में बैठ गए, तो देवी इतना समय से आप मेरी सेवा कर रहे हैं और मैं तो ध्यान में हूं, तुम्हें इधर उधर तक नहीं। आज का समय देखो, आज छोटी सी बात में तक महाराज, लेकिन माँ कहते कई वर्षों शरीर बूढ़ा हो गया, जर्जर शरीर याद आया तुरंत। देवी इतनी कठिन तपस्या आपने इतनी समय तक मेरी सेवा की, आप याद दिलाया, आपने कहा था हमारी संतान होगी, सब चीज वृतांत पूरा सुनाया, तुरंत याद आया कर्दम ऋषि को। देवी पास में एक सरोवर था, जाओ स्नान करो। जैसे माता सरोवर में गई, स्नान किया तो माता का शरीर क्या है, यौवन हो गया, पुनः जवान हो गई और अनेक दासियां उस सरोवर से निकली उनकी सेवा में। कर्दम ऋषि ने भी स्नान किया, उनका स्वरूप भी सुंदर हो गया, वो भी नव यौवन जवान हो गए, एक सुंदर विमान बनाया, कामुक विमान, और उस विमान में बैठकर दोनों दंपति अब विहार करने लगे, भ्रमण करने। ये ऐसा विमान है इसमें सब चीज की सुविधा विमान के अंदर है। महाराज उसमें विहार करने लगे, भ्रमण करने लगे, तो कहते हैं इनके यहाँ पहले 9 कन्याएं हुई, कला अनुसुईया श्रद्धा हविर्भू गति क्रिया ख्याति अरुंधति और शांति, इनके यहाँ 9 कन्याएं हैं। अब महाराज कर्दम ऋषि ने कहा, अब तो देवी देखो मैंने तो एक संतान की बात करी थी, यहाँ तो 9 हो गई। बोले नहीं महाराज, आपने अभी तो इनके विवाह आदि भी करवाना है। तो कहते एक दिन ब्रह्मा जी मिलने के लिए आए और ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र हैं उनमें से नारद जी महाराज कहीं गए, 9 पुत्रों को साथ में लेके आए। अरे ये जो कर्दम ऋषि की जो 9 कन्याएं हैं इनका विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ में हुआ, मरिचि का विवाह कला माता के साथ, अत्रि ऋषि का विवाह अनुसुईया माता के साथ, अंगिरा का सरदार से, पुलस्त का हविर्भू से, पुलहा का गति से, कर्तु ऋषि का क्रिया से, भृगु का ख्याति से, वशिष्ठ ऋषि का अरुंधति माता से और दक्ष का विवाह शांति से हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ में कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियों का विवाह संपन्न हो गया। अब तो देवी मुझे जाने दो ना, मैंने अपना फर्ज भी निभा दिया, बेटियों का विवाह कर दिया, अब तो बन जाने दो। बोले आपने कहा था बेटियां तो अपने अपने घर चली गई, अब आपने कहा था कि एक संतान होगी। तुरंत ही याद आया कर्दम ऋषि को, मैंने कई वर्षों तक तपस्या करी थी और भगवान ने कहा था मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। महाराज फिर इनके यहाँ एक संतान की इनको प्राप्ति हुई और भगवान स्वयं इनके यहाँ आए। बोले कपिल भगवान की जय। कर्दम ऋषि जानते मेरे पुत्र भगवान का अंश अवतार है, परिक्रमा करी अपने बेटे की और परिक्रमा करके सीधे वन को चले गए। आज देवी ने रोका नहीं। अब धीरे धीरे बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक दिन माँ अपने पुत्र को सुंदर श्रृंगार करवाया और श्रृंगार करवा के चौकी में बिठा दिया और चौकी में बिठाकर चरणों में बैठ गई। जानती है मेरा पुत्र साक्षात भगवान का अंश अवतार है, हरि है। महाराज चरणों में बैठ गई, बेटा मैं इन इंद्रियों के वशीभूत हूं, मैं इन इंद्रियों को पुष्ट करते करते थक गई, लेकिन ये इंद्रियां कभी पुष्ट नहीं होती, जितना खिलाओ उतना और चाह रखती हैं।
जितना इस जीवा को चटपटी खिलाओ उतनी और चटपटी खाने की इच्छा करती है। नेत्रों को जितना अच्छा दिखाओ और अच्छा देखने का करते हैं, तो इनके कानों को जितना सुनाओ उतने और अच्छा सुनने का मन करता है। महाराज मैं तो इनको पुष्ट करते करते थक गई हूँ, चरणों में बैठ गई बेटे की, बेटे को चौकी में बिठाया मैं, मेरा ये जो इंद्रियों को बस में करते करते थक गई, मुझे कुछ ज्ञान दे बेटा। तम त्वां गतां शरणं शरण्यं स्वभृत संसार दुरोकुठारं जिज्ञासायं प्रकृते पुरुषा नमामि सिद्धतविदां वरिष्ठं। बेटा मैं आपकी शरण में हूँ, तम त्वां गताहम शरणम शरण्यम, आपके शरण में हूँ, मुझे ऐसा ज्ञान दो कि मैं इन इंद्रियों से बाहर निकलूं, नहीं तो इनको तृप्ति करते करते मैं खिन्न हो चुके हूँ, बेटा मुझे ज्ञान दो। महाराज आज कपिल मुनि अपनी माँ को ज्ञान देने लगे, माँ हर जीव को क्या चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। संत के लक्षण बताए, संत किसको कहते हैं, मां हमको अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता साधवा साध भूषण। संत के लक्षण बताए, संत कैसे होते हैं भाई, ये नहीं कि हमने सुंदर वस्त्र पहन दिए, भगवा वस्त्र धारण कर दिया, 10-20 मालाएं डाल दी और चिमटा ले लिया, हाथ में हम संत बन गए महाराज। ये नहीं कि कोई वेशभूषा से कोई संत हो। संत के लक्षण बताते हैं कपिल मुनि अपनी माता से, माँ तितिक्षवा, संत कौन है जो तितिक्षव है, जिसके अंदर सहनशीलता है, कारुणिका करुणा करने वाला, सुहृदय सर्वदेहिनाम समस्त देहधारियों को समान दृष्टि से देखे, किसी से द्वेष न करे, और क्या अजात शत्रुवा जिसके कोई शत्रु न हो, ये संत के लक्षण हैं। और शांता हमेशा शांत रहने वाला, माँ ऐसे लोगों का संग करो ये संत है। जरूरी नहीं है कि कपड़े पहनने से हम संत बन गए, भाई कपड़े पहन के तो कहीं बाहर से कपड़े पहन लिए लेकिन अंदर वो संत है नहीं, भेषभूषा कोई भी धारण करता है तो भेषभूषे से कोई संत नहीं है। कोई साड़ी पहनने वाला भी संत हो सकता है और कोट पैंट पहनने वाला भी, कोई भी संत हो सकता है जिसके अंदर ये लक्षण हो, जो किसी से हमेशा किसी से द्वेष न रखे, सहनशीलता जिसके हृदय में हो और सर्व देवधारियों को देहधारियों को समान दृष्टि से जो देखे वो संत है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता साधुवा साधु भूषणा, ये संत के लक्षण है। माँ ऐसे लोगों का संग करो, हर जीव को क्या है अच्छे लोगों का, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। एक दृष्टांत